हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल के डी फूड केटर्स। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर की सब्ज़ी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारी तैयारी करके रखी है। खड़े मसाले मैंने यहाँ पर रेडी कर रखे हैं। तो यहाँ पर तेल में सबसे पहले हम खड़े मसाले डालेंगे, इसको थोड़ा भुनने देंगे। भुनने के बाद इसमें हम प्याज ऐड कर लेंगे। प्याज को हम थोड़ी देर अच्छे से भुनने देंगे। धीमी आंच करके हल्के हल्का घुमाते हुए इसको भुनने देंगे। थोड़ा भुनने के बाद इसमें हम लहसुन ऐड कर लेंगे, जिसको मैंने हल्का सा कद्दूकस कर दिया है। अच्छे से मिक्स करके दोनों को भून लेंगे अच्छे से। इसके बाद हम हरी मिर्च ऐड करेंगे, इसको भी इसके साथ भून लेंगे। इसके बाद मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च काट के रखी थी, जो इसमें ऐड करके भून लूँगी इनके साथ ही। टमाटर ऐड करेंगे। इन सबको एक साथ अच्छे से भून लेंगे। तो देख सकते हैं ये अच्छे से भून चुका है। तो अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे थोड़ा, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा पानी ऐड कर देंगे इसको पकने के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर मसाला पक चुका है अच्छे से। आप इसमें लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लाल मिर्च यूज़ नहीं की है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी हरी मिर्च बहुत तीखी थी, इस वजह से मैंने लाल मिर्च ऐड नहीं करी है। थोड़ा और पानी डाल के इसको अच्छे से पकने देंगे। तो देख सकते हैं मसाला अच्छे से रेडी हो चुका है। और अब इसमें हम पनीर ऐड करेंगे। थोड़ी देर इसको ढक के ऐसे ही छोड़ देंगे। तो देख सकते हैं हमारे पनीर की रेसिपी रेडी है यहाँ पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल केडी फूड केटर्स।